देखिए कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित ये गुड न्यूज है, आप लास्ट तक बने रहना, आपको समझ में आएगा सब कुछ। तो देखिए कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन जयपुर के द्वारा देखिए ये नोटिस है 28/5/2021 का। तो देखिए दोस्तों 26 तारीख को 5 बजे क्या हुई थी दोस्तों, एक समीक्षा बैठक हुई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देशन पर, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी है, उनकी अध्यक्षता में दोस्तों ये बैठक हुई थी। और इस बैठक में जो बजट में घोषणा की गई थी कृषि विभाग से संबंधित, उनकी क्या दोस्तों कि कैसा क्या उनका कार्य चल रहा है, उनकी प्रगति के लिए एक समीक्षा बैठक की गई थी। तो उसमें देखिए क्या क्या निर्देश दिए गए थे वो आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यह एक कर्मचारी है, ये उसमें मौजूद थे जो समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से। फिर आगे देखिए दोस्तों अपने लिए जो सबसे जरूरी है वो देखिए, इसे ये देखिए वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसार अगले 2 वर्षों में 1664 पदों पर भर्तियां की जाएगी। कितने पर दोस्तों, 2 वर्षों के अंदर अंदर 1664 पदों पर भर्तियां की जाएगी। किसमें दोस्तों, कृषि विभाग में। इस हेतु कार्य योजना तत्काल तैयार की जाए तथा कृषि पर्यवेक्षकों के 1000 नए पदों की भर्ती की स्वीकृति के लिए पत्रावली अगले 5 दिनों के अंदर वित्त विभाग को भिजवाई जाए। तो दोस्तों जो कृषि मंत्री है, कौन दोस्तों, जो कृषि मंत्री है, और राज्य निर्देश दिया है कि जो 1000 पद है कृषि पर्यवेक्षक के, उनकी स्वीकृति के लिए पत्रावली 5 दिनों के अंदर अंदर कहां भिजवाई जाए दोस्तों, वित्त विभाग को भिजवाई जाए। तो दोस्तों 5 दिनों के उन्होंने निर्देश दिया है, तो 5 दिनों के अंदर अंदर कहां, वित्त विभाग को भिजवा दी जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, वित्त विभाग से जैसे स्वीकृति मिलेगी तो फिर आगे का प्रोसेस होगा। आगे देखिए वर्ष 2021-22 की बजट घोषणाओं में अगले 3 वर्षों में 1000 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए स्थानों का चयन अगले 1 माह में किया जाएगा। देखिए दोस्तों वर्ष 2021-22 की बजट घोषणाओं में 8 कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये भी प्रक्रिया चालू हो गई है। तो दोस्तों ये अच्छी न्यूज है कि कृषि पर्यवेक्षक के जो 1000 पद है उनसे संबंधित कार्य तेजी से चल रहा है और जल्दी दोस्तों ये पूर्ण होगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, अपनी तैयारी में कोई कमी मत रखिए, ये गुड न्यूज है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से और टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इतना ही दोस्तों आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।